फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम जा रहे हैं अपनी तीसरी लोकेशन पे, जिसका मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था, एंड दैट इज़ दी हाउस ऑफ हबीबी। और ये श्रीनगर में बहुत फेमस है। जो इसका लोकेशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डाल लूँगी, सो प्लीज़ आप वहाँ से देख लीजिएगा एंड डू कमेंट्स। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े है गोल्ड जिम के बिल्कुल ऑपोजिट, और इन्होंने इस कैफ़े को पूरा एक स्विस टच दिया हुआ है। बहुत ही क्यूट कैफ़े है, हर एक चीज़ बहुत ही सिलेक्टिवली इन्होंने अपने कैफ़े के लिए चूज़ की है, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये इनका ओपन एयर सिस्टम है, अगर आप ओपन एयर सिटिंग लेना चाहते हैं तो आप बाहर बैठ के इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन वो विंटर्स में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप अंदर बैठ के इन्जॉय करना चाहते हैं तो इनके पास अंदर बैठने का ऑप्शन भी है। ये देखिए इनका मेन्यू, जिसमें इन्होंने ज़्यादातर अपना जो कुजीन है वो अरबिक फूड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रखा है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ अरबिक फूड अवेलेबल है, यहाँ पे हर किस्म का कुजीन अवेलेबल है। और इनकी तो मॉकटेल्स इतनी फेमस है, उसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोगों से सुना है, स्पेशली वाटरमेलन मोई तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इनका इंटीरियर है, जहाँ पे पूरा एक ऊपर से इन्होंने फ्लावर्स का डेकोर दिया हुआ है, इंक्लाइंड शेड्स हैं और लैंप्स लगे हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त, एक बहुत ही कोजी वाइब आती है अंदर बैठ के। और यस, जैसे कि इसका नाम ही दी हाउस ऑफ हबीबी है, तो यस यहाँ का जो फूड है वो अरबिक फूड को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई थिंक अगर आप लोग इस टाइम कश्मीर विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस कैफ़े में ज़रूर जाइएगा। और हाँ, जो मैंने अपनी लास्ट दो वीडियोस में जिन दो कैफ़ेज़ के बारे में बोला तो उनको भी प्लीज़ एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, एंड यू विल थैंक मी लेटर। बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े, अमेजिंग एम्बियंस, अमेजिंग स्टाफ, व्हेन इट कम्स टू हाइजीन तो यस 10/10, बहुत ही ज़बरदस्त, एंड इट्स थम्स अप फॉर दिस कैफ़े। ये देखिए, मैंने एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग की नहीं, तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स जो थे, जो मैंने अपने पिक्चर्स ली थी, तो वो मैंने इसके इस वीडियो में ऐड की हैं, सो दैट मैं आपको बता सकूँ कि ये कितना प्यारा कैफ़े है, कितना क्यूट कैफ़े है, और हर चीज़ यहाँ की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत मज़ा आता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाइए, अगर आप अपनी डेट के साथ जाना चाहते हैं आप उनके साथ जाइए, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बहुत ही शांत कैफ़े है, एक कामनेस है इस कैफ़े में जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय देती है। आप अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं, आप यहाँ पे बैठ के एक बहुत ही पीसफुली अपना फूड जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको शांति में बैठ के अपना फूड इन्जॉय करना है तो यस, द हाउस ऑफ हबीबी इज़ द प्लेस। एंड यस, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय किया मैंने, मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये कैफ़े इतना अच्छा है। एक्चुअली आई वाज़ वेरी डेस्परेट टू गो दिस कैफ़े, एंड यहाँ को मैं एक्सप्लोर करूँ, और जो कि मुझे मौका मिल गया और मैं यहाँ आ गई। एंड यस, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। हमें यहाँ पे हमने कैपेचिनोज़ ऑर्डर की थी, बहुत ज़बरदस्त कैपेचिनो थी इनकी, बहुत टेस्टी कैपेचिनो थी। और हमने यहाँ पे चिकन स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर किए थे, वो भी बहुत यमी थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत लजीज थे। सो यस, ये परफेक्ट, ये कैफ़े एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑफ कश्मीरी फूड एंड ईस्टर्न फूड, एंड आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे जाके एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ये इनका ज़ाफ़रानी कहवा है जो बहुत फेमस है अपनी एरोमा के लिए, अपने टेस्ट के लिए, और बहुत ही टेस्टी है। आई स्वेयर, मैंने चाय चाय के बाद अगर कहीं अच्छा कहवा अगर पिया है तो वो यस द हाउस ऑफ हबीबी वो जगह है जहाँ पे मैंने इसको इन्जॉय किया है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत टेस्टी था, और आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। ये यहाँ हमें फूड सर्व होने लगा था तो इनका जो स्टाफ है बहुत ही कर्टियस है, हर एक चीज़ बहुत ही इन्होंने प्लान तरीके से लगाई है, हर एक चीज़, हर एक फूड जो सर्विंग होती है बहुत ही अच्छे तरीके से अपना फूड सर्व करते हैं। देखिए हमारे चिकन स्प्रिंग रोल्स कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने यम्मी लग रहे हैं, और मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड आई लव्ड इट। यस, आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये वाले स्प्रिंग रोल्स आई थिंक मैंने जम्मू में कहीं नहीं खाए हैं, और अगर होंगे तो शायद मैंने अभी तक यहाँ एक्सप्लोर किया नहीं होगा, बट कश्मीर में जो मैंने स्प्रिंग रोल्स एंजॉय किए हैं, एंड आई कैन टेल यू कि वो कितने टेस्टी, कितने ज़बरदस्त थे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ जाके ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लोगों का ये बोलना है कि यहाँ का हमस भी बहुत टेस्टी है, यहाँ का मेज प्लाटर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ के कबाब्स बहुत फेमस हैं, और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ यहाँ की फेमस है। एंड द हाउस ऑफ हबीबी वो एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर एक किस्म का कुजीन एक ही जगह पे अवेलेबल होगा,
और आप लोग इन्जॉय कर सकेंगे। ये देखिए हमारे चिकन स्प्रिंग रोल्स कितने यम्मी यम्मी लग रहे हैं, मुझे तो अभी से खाने का मन हो रहा है दोबारा। और मैं कैफ़े को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, काश मैं दोबारा जा सकती, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई कि मैं सबसे पहले यहाँ पे विज़िट करूँ और एक अच्छा बड़ा व्लॉग यहाँ पे शूट करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कितना ज़बरदस्त कैफ़े है। और अब मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो गई थी और यहाँ पे मेरा कैमरे का एंगल भी थोड़ा डिस्टर्ब है, सो प्लीज़ बेयर विद इट। एंड आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और बहुत सारा प्यार दीजिए और सेफ रहिए, खुश रहिए और तो यस, ये था हमारा आज का व्लॉग। और आज हमने हाउस ऑफ हबीबी को एक्सप्लोर किया जो बहुत प्राइम लोकेशन पे है कश्मीर के। सो यस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हमें, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छा क्विजीन। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग हमारा पसंद आएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।